बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद आज एक बार फिर से 19 जिलों के 697 पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। वोटिंग के दौरान पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात किए गए, लेकिन बंगाल में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। रविवार की रात मुर्शिदाबाद के खारग्राम में पुलिस की एक गाड़ी पर पथराव हुआ, इसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली में आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान गृहमंत्री को चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर रिपोर्ट दी जा सकती है। शनिवार को पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में जबरदस्त हिंसा हुई थी, 18 लोगों की जान गई थी। हिंसा के बाद बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग को दोबारा वोटिंग कराने की बात कही। वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पंचायत चुनाव के दौरान राज्य में हिंसक स्थिति पर चिंता जाहिर की। अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है कि आज होने वाली वोटिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। बंगाल में लोकतंत्र पर भारी गणतंत्र। कहीं बम का धमाका, कहीं बैलेट बॉक्स लूटा। बंगाल में हिंसा पर दिल्ली में मंथन। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा का ऐसा रूप दिख रहा है जो 90 के दशक की याद दिला रहा है। बंगाल में आज जो कुछ भी हो रहा है वो कभी 90 के दशक में होता था। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल हैं। बावजूद इसके नेता एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने में लगे हैं। शनिवार को पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान जबरदस्त हिंसा का दौर चला। चुनावी हिंसा के बाद राज्य चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। आज एक बार फिर से 697 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। 19 जिलों में बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पुनर्मतदान होगा। आज बूथ पर राज्य पुलिस के अलावा 4 केंद्रीय बल के जवान मौजूद रहेंगे। इस बीच आज बंगाल के राज्यपाल सीवी अरविंद बोस गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल आज ही बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा से जुड़ी रिपोर्ट भी गृह मंत्री को सौंप सकते हैं। कांग्रेस ने भी हिंसा की निंदा की है। There should be a fair elections, otherwise there will be no democracy. शनिवार को वोटिंग के दौरान मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, उत्तर और दक्षिण 24 परगना हिंसा के केंद्र बिंदु रहे हैं। कूच बिहार में टीएमसी वर्कर्स ने बैलेट बॉक्स तोड़ डाले, उनमें पानी डाला और आग लगा दी। वहीं उत्तर दिनाजपुर में कई जगहों पर बैलेट पेपर फूंक दिए गए। दक्षिण दिनाजपुर में भी बैलेट बॉक्स में पानी डाल दिया गया। कई जगहों पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। वोटिंग के दौरान हुई हिंसा को लेकर बीजेपी सीधे टीएमसी पर आरोप लगा रही है। सारे रिवॉल्वर लेके, बॉम्ब लेके सारे घूम रहे, कितना बमबारी हुआ, कितना सारे गोली चला, भय का माहौल इन लोगों को बनाना था। वहीं पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में हुई हिंसा के लिए टीएमसी विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा रही है। टीएमसी का आरोप है कि हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई। चुनाव का दिन में जो फेटालिटीज हुआ है उसमें 60-70% है तृणमूल कांग्रेस का। अपोजिशन लोग प्लान करके ये किया है और चुनाव का पहले अपोजिशन लीडर जो है वो तो पूरा स्टेट में घूम घूम के ये मैसेज फैलाया था कि आप लोग रोक मारिए, पीटिए, गोली मारिए, बम मारिए, ऐसे करके अपना कैडर को इंस्टिगेट करके आया था। बीएसएफ को साथ लेते हुए बांग्लादेश से गुंडा लाके भी तृणमूल कांग्रेस कर्मी को कत्ल किया है। तो तृणमूल कांग्रेस चाहता कि ऐसा कुछ हादसा ना घटे। इसके बावजूद भी 66,000 बूथ में, ज़्यादा से ज़्यादा 58-60 बूथ में ऐसे हादसा हुआ है।
बाकी पूरा बूथ में बंगाल का आम जनता जनार्दन पीसफुली वोट दिया है। चुनावी हिंसा पर बीजेपी ने राज्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर पंचायत चुनाव दोबारा से कराने की मांग की थी। इसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने हिंसा प्रभावित बूथों पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया है। आज जिन 697 बूथों पर दोबारा वोटिंग हो रही है उनमें मुर्शिदाबाद में 175, नदिया में 89, दक्षिण 24 परगना में 46, उत्तर 24 परगना में 36, पूर्वी मेदिनीपुर में 31, मालदा में 110 बूथ, कूचबिहार में 53, उत्तर दिनाजपुर में 42, दक्षिण दिनाजपुर में 18 और हुगली में 29 बूथ शामिल हैं। इंडिया टीवी, क्राइम अलर्ट।